हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सीआईबी जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है विटामिन से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसको भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक साइड आपके विटामिन दिया गया और यहाँ पर रासायनिक नाम बताया गया है। इसके आगे चलते इसी से रिलेटेड यहाँ पर विटामिन उनके यहाँ पर स्रोत भी है, कमी से कौन सा बीमारी होती है, उनके स्रोत क्या है, सब इसमें मेंशन किया गया है। विटामिन के रासायनिक नाम जो लिखा है ट्रिक का बाप, इसके अकॉर्डिंग भी आप एक ट्रिक बना के भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं देखते हैं इसमें। पहला है विटामिन ए से, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी टू जो है बी टू राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री विनिको टीनेमाइट नाम है इसका रासायनिक नाम। विटामिन बी फाइव पेंटोथिनिक अम्ल। बी सिक्स पैराडॉक्सिन। बी सेवन बायोटीन। बी इलेवन फोलिक अम्ल। और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन ट्वेल्व जो है साइकोकोबालमिन, इसका नाम है रासायनिक। आगे चलते हैं यहाँ पर भी मेंशन किया गया विटामिन ए जो है एक विटामिन ए से इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। लेकिन कमी से होने वाले जो बीमारियां हैं या रतौंधी है होने वाले जो बीमारियों का नाम है जैसे कि रतौंधी। और इसके स्रोत क्या है, जो चीज़ हमें हमारे अंदर कमी हो रही है तो उसको क्या खाने से पूर्ति होगी विटामिन ए की, तो गाजर है, दूध है, अंडा है, फल, अगर इस चीज़ को लेंगे तो हमारे अंदर विटामिन ए की पूर्ति होगी। आगे चलते हैं यहाँ पर दिए विटामिन बी वन इसका रासायनिक नाम थायमिन है। कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसके स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जी, ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन बी टू इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा फट जाता है, आँख का रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत बताए गए हैं अंडा है, दूध है, हरी सब्जियाँ, ये सब इसके स्रोत। इसको खाने से हमारे बी टू की पूर्ति होगा। आगे कह रहा है विटामिन बी थ्री, बीट थ्री है रासायनिक इसका नाम पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से होने जैसे पैरों में जलन, बाल का झड़ना, अगर इसको हम खाएंगे तो इसकी पूर्ति कैसे होगा, मांस से, दूध से, टमाटर, मूंगफली से विटामिन बी थ्री की पूर्ति होगा। बी फाइव में चलते हैं। विटामिन बी फाइव कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम निकोटीनिक माइड है, नियाशीन ये है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, मानसिक विकार, जिसे पैलाग्रा भी कहा जाता है। और इसके जो स्रोत है खाना, ऐसे क्या चीज़ खाएंगे जो इसकी पूर्ति होगी, तो मांस, मूंगफली और आलू। विटामिन बी सिक्स जो है इसका नाम पैराडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया होता है और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसके जो स्रोत हैं हम दूध ले सकते हैं, मांस, मछली, सभी को ले सकते हैं। विटामिन यहाँ पे बी सेवन है इसका रासायनिक नाम, जैसे इसको बी विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है। एच ऑब्लिक जो सेवन दिया है यहाँ पर, तो आप विटामिन एच और विटामिन बी सेवन के भी नाम से जान सकते हैं। इसका नाम रासायनिक बायोटीन होता है। इसकी कमी से होता है तो बालों का झड़ना, चर्म रोग हो जाता है। ये कहाँ मिलेगा, तो जो हम ईस्ट है, खमीरी होता है दूध में या चावल को पीस के जो खमीरी उठाती हैं, इन सभी में जो ईस्ट मिलता है उससे, और गेहूँ से, अंडा से, इन सभी से मिलता है। आगे है कि जो हमारा विटामिन है बी ट्वेल्व, ये विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है, साइकोकोबालमिन, जिसे कोबाल्ट भी कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, पांडु रोग होता है। इसके स्रोत क्या है, मांस, कलेजी और दूध, इन सभी को खाने से इसकी पूर्ति होगी, विटामिन बी ट्वेल्व की पूर्ति होगी। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, जो ये बहुत खतरनाक एनीमिया होता है। तो जो एनीमिया लिखा है ना, एनीमिया भी हमारे बहुत कई टाइप्स के होते हैं, तो इसके विटामिन बी ट्वेल्व से परनीशियस एनीमिया होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे भी दिया है, जैसे कि विटामिन ए टू क्या है, यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं, उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। ए से रेटिनॉल, बी वन से थायमिन। इसके जो विटामिन बी फैमिली होते हैं ये पूरे ट्वेल्व तक होते हैं, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव होते हैं, सिक्स होते हैं, सेवन होते हैं, नाइन होते हैं, इलेवन होते हैं, ट्वेल्व होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे रेटिनॉल विटामिन ए से, बी से, बी वन से थायमिन, बी टू से राइबोफ्लेविन, बी थ्री से नियाशिन, बी फाइव से पेंटोथेनिक अम्ल, सिक्स से पैराडॉक्सिन, सेवन से बायोटीन और नाइन से फोलिक एसिड, इलेवन से सीलिक
सिलिसिलिक अम्लक व सिलियक अम्ल जिसे विटामिन बी 12 से साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्ट कहा जाता है और विटामिन बी सी से स्कार्बिक एसिड, डी से कैल्सिफिरॉल, ई से टोकोफिरॉल, के से फिलोक्विनोन होता है। ये हमारे पूरा रासायनिक नाम है विटामिन बी वन से बी से बी ए से विटामिन ए से लेकर और के तक का। हमारे 6 विटामिन होते हैं ए बी सी ई के, ए बी सी ई के और डी, ये 6 विटामिन होते हैं। और जब इसमें पूछा जाए कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन, तो हमारे जल में घुलनशील विटामिन जो होंगे कौन से, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे जल में, तो बी और सी। अगर यही पूछेगा कि वसा में विटामिन सी कौन से घुलन होते हैं, वसा में कौन सी विटामिन होता है, तो कीड़ा, इसको शॉर्टकट में पढ़िएगा कि कीड़ा, के ई डी ए। ये सभी हमारे जो 4 विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।